ऑडियंस न्यूज। बलरामपुर जिले के विकासखंड तुलसीपुर ग्राम सभा बिसुनपुर खरहानिया के गांव दरोगा बलोहवा के गांव में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीण द्वारा क्षेत्रीय विधायक व सांसद को प्रार्थना पत्र देकर अवगत भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक बिजली के खंभे नहीं लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि भारत के प्रत्येक गांव में बिजली लगाई जाए, लेकिन बलरामपुर में अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब अधिकारियों पर कौन सी कार्यवाही सरकार द्वारा की जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। यहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे देश में जिले में राज्य में कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। हमारे गाँव के बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है, लालटेन के उजाले में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन भाजपा सरकार के शासन में जब हमारे गांव की स्थिति यह है कि अगर किसी के पास मोबाइल है और वह डिस्चार्ज हो जाता है तो 5 किलोमीटर तुलसीपुर बाजार में जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं मोबाइल चार्ज हो पाता है। अगर कहीं किसी को कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो वो तड़पता रहे, ना तो किसी से बात हो पाएगी ना किसी इमरजेंसी सेवा का लाभ मिल पाएगा। अब आप ही बताएं कि इसे प्रशासन की लापरवाही कहा जाए या हमारे जनप्रतिनिधियों की, आखिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। एबीपीएस न्यूज से शैलेंद्र बाबू की एक रिपोर्ट। ये मेरा नाम महेश कुमार है, मैं दरोगा बलोहा का रहने वाला हूँ, क्षेत्र बिशनपुर खैरानिया जी। यहाँ पर 70 साल हो गया आज़ादी को, लेकिन अभी तक यहाँ पर लाइट नहीं आया है। और सांसद द्वारा बताया गया था कि इस गांव में 5 साल के अंदर लाइट आ जाएगी, लेकिन यहाँ 4 साल हो गए वो प्रधानी को, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आया यहाँ पर। क्या लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद द्वारा ये वादा किया गया था कि जो है यहाँ पर बिजली लगवाई जाएगी जी, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, अभी तक नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत की? जी शिकायत किया, लेकिन बिजली नहीं लगी। नहीं लगा, 15 दिन हो गया लाइट देश आज़ाद हुई और अभी तक लाइट नहीं लगा हुआ है। क्या इसकी शिकायत हमने सांसद वगैरह से या विधायक से किया या जिला अधिकारी महोदय से की? तमाम लोगों से हमने शिकायत की है, सांसद कैलाना शुक्ला आदित्य से, लोगों से बहुत किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मूल समस्या यही है कि ना हमारे गांव में नाली बना है, ना हमारे गांव में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, जैसे लाइट या सोलर प्लेट या देखो नहर नलकूप, या देखा जाए ऐसे बहुत से समस्याएं हैं। अब कितना तक गिनाया जाए? इसकी शिकायत आपने किसी मंत्री या जो विधायक से? हाँ, यह जैसे दद्दन मिश्रा भी आए थे, कैलाशनाथ शुक्ला भी आए थे, इन लोगों से कहा गया। दद्दन मिश्रा क्या है? ये संसद है। अच्छा, तो कैलाशनाथ शुक्ला भी तो क्या विधायक संसद, ये दोनों से शिकायत किया गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।